आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज खरना के साथ कल ही नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हो चुका है, लेकिन हरेक लोग अपने अपने तरफ से अपने घर में सफाई स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेष महत्व यहाँ पे है कि छठ घाट पर और जलाशय के किनारे ही छठ महापर्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार भी अपने गाइडलाइंस में परिवर्तन करना पड़ा, अपना फरमान को वापस लेना पड़ा, तो छठ घाट पर ही मनाएंगे, ये चैलेंज चल रहा है। लेकिन छठ घाट सफाई होगा तब तो छठ घाट पर छठ मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा है। आज हम लोग करीब 8-10 लोग ही थे और काफ़ी काम करने का प्रयास किया है। लगभग एक ट्रैक्टर से अधिक मलबा तालाब से बाहर करने का कार्य किया है और आग लगाने का काम किया है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, सुबह 7 से 10 बजे तक जोरदार सफाई अभियान चलेगा और फाइनल रूप दिया जाएगा छठ घाट का। इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, सभी लोग आने का प्रयास करें ताकि हम हमारे छठ व्रतियों को नहाने में और हम सभी को अर्घ देने में या हर तरह का कार्य करने में स्वच्छता महसूस हो। ये संस्कृति है हमारी। और एक और रिक्वेस्ट करते हैं सभी परसिया के लोग से, जो अपने घर का कचरा ला के तालाब में डालते हैं, ये बहुत ही गलत है, गलत व्यवहार है। ऐसी परंपरा और ऐसी सीख नहीं होनी चाहिए लोग को। जो पूर्वजों की जो देन है जलाशय, उसको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य। देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि, पंचायत ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हमारे वार्ड के, और जितने भी हैं हमारे जिला परिषद से लेकर के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य, सभी से रिक्वेस्ट होगा कि छठ के महापर्व के अवसर पर एक नज़र छठ घाट पर जरूर दें। कल छठ महापर्व है और आप एक नज़र तो देख सकते हैं छठ घाट में क्या सफाई है, क्या व्यवस्था है। फंड हो या ना हो, आप खुद तो खड़ा हो सकते हैं, सबको जागरूक तो कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि का एक कार्य है, आपका एक कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को निभाइए। अब देख कितना गंदगी है, कल कैसे छठ घाट पर छठ होगा, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो कल अधिक से अधिक लोग सुबह आ जाइए और छठ घाट को फाइनल रूप हम लोग देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है। हमारे साथ हैं सफाई में अभियान में जुटे हुए एसएन सिंह जी, आप बताएंगे किस प्रकार से समस्या आ रही है और क्या क्या लगता है आपको, कल हो पाएगा ये सफाई अभियान पूरा हो पाएगा हम सभी लोग मिलकर के? सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अभियान को बड़ा ज़ोर शोर से सबों के समक्ष रखा। मुझे आपका अभियान से बहुत ही मैं जागृत हुआ और आपके सहयोग करने के लिए मैं रांची से यहाँ चल के आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभियान में शामिल हुए रांची से आकर के सुबह। तो क्या समस्या आ रही है तालाब में? हम सब 10-20, हम प्रिंस शुभम, वार्ड पार्षद भी धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, मयंक सूरज, कुलदीप, अंकित, अमन, सब लोग लगे रहे। उन लोग छोटे बच्चे होने के कारण उन लोग को वायु कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। पानी इतनी गंदी है कि हाथ पांव में खुजली हो जा रहा है, सारे चीज उत्पी हो जा रहा है। सब जो नुकीले पदार्थ मिल रहे हैं इसके बारे में क्या नहीं, यहाँ एक चीज में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है तालाब के किनारे, जो कि अभी सफाई के क्रम में करीब 50-100 की संख्या में शराब की बोतलें मिली, जिससे हमारे पांव भी अभी कट चुका है। आप देख सकते हैं पांव भी कट चुका है, हाथ भी कटा है, ठीक है। ये असामाजिक तत्वों को सबसे पहले समाज के लोगों के द्वारा मिल करके जलाशय के किनारे जो शराब पीते हैं उनको दंड दिया जाए, उन्हें अविलंब रोका जाए और इस तालाब की सफाई, जिससे कल छठवर्ती लोग अपनी अच्छे से स्नान ध्यान करके माँ छठ को अग्र देख पाए, सूर्य भगवान की उपासना कर पाए, ये सफाई 2-4-10 लोगों से होने वाली नहीं है। पूरी तालाब तो छोड़िए, जितने दूर हम लोग को छठवर्ती को स्नान करने की जरूरत है उसमें सफाई में भी कम से कम हमें लगता है 3-4 दिन लगेगा। अगर जन समूह थोड़ी सी भागीदारी और हिस्सेदारी करें, गांव समाज के लोग जिनके घर में छठ, तब कल उम्मीद करता हूँ कि 10-11-12 बजे तक कुछ हद तक छठ में अर्घ देने की स्थिति में इस जलाशय को बना पाए, जिससे छठवर्तियों को कुछ आराम मिले। तो कल कम से कम 50-60 की संख्या में या अधिक से अधिक सभी लोग आने का प्रयास, सभी लोग कल आएगा तो हो जाएगा क्या प्रिंस लगता है? देखिए हम चलिए, अगर अधिक से अधिक कोशिश करें आदमी आने का तो ऊपर नीचे ले लेते पेंटा पकड़ लेते, सभी लोग आइए। हमारे साथ हैं माननीय वार्ड सदस्य जो है हमारे धीरेन्द्र प्रसाद सिंह जी, बताएंगे कल किस प्रकार से अभियान में शामिल हों, सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा इनका, बोलिए। हम सभी परसिया ग्रामीण जनता को यही कहना चाहते हैं कि जिस घर में
पर्व कर रहे हैं वह घर पर एक एक व्यक्ति अगर आके अगर एक घंटा भी समय दे देंगे तो मेरा छठ घाट पूरा सफाई हो जाएगा, जिसमें सभी बच्चे को या तो डंडतिया को नहाने का भी जगह मिल जाएगा। कल भर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक समय दे दें, यही आप लोग से हम कहना चाहते हैं और यही सहयोग लेना चाहते हैं। अगर आप लोग को यह इच्छा होगा तो कल समय देंगे, अगर नहीं इच्छा होगा तो आप लोग को मर्जी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।